हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि है और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमुलेटर को। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पूरा एंड तक से देखिएगा। इस वीडियो के अंदर हम एमुलेटर के साथ साथ उसकी लॉन्चिंग भी डिस्कस करेंगे और एमुलेटर की एडिटिंग से रिलेटेड जो सेटिंग्स होती हैं उनको भी हम देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो इसकी हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एंड्रॉयड एप्लीकेशन सब्जेक्ट के अंदर, जो कि हमारे डिप्लोमा के 6th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी यूजफुल वीडियोज़ आप देख पाएँ। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिस पे मैं नोट्स प्रोवाइड करती हूँ। आप वहाँ पे जाके जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से चेक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को, जो है व्हाट इज एमुलेटर। आइए बात करते हैं एमुलेटर पे। एमुलेटर क्या है? आप अगर पहली बार नाम सुन रहे होंगे एमुलेटर, तो एमुलेटर जो है वो एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। एंड्रॉयड एमुलेटर बेसिकली आपका एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस है। जैसे हम अपना एंड्रॉयड डिवाइस चलाते हैं, अपना फ़ोन चलाते हैं, वो हमारा एंड्रॉयड डिवाइस है जो कि रियल होता है। और एंड्रॉयड एमुलेटर क्या है? एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस है, ठीक है। ये वर्चुअली आपको दिखता है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। ये क्या करता है? एंड्रॉयड एमुलेटर जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसी भी स्पेसिफिक एंड्रॉयड डिवाइस को, कोई भी स्पेसिफिक एंड्रॉयड डिवाइस को रिप्रेजेंट करता है एंड्रॉयड एमुलेटर। और इसे हम यूज़ कर सकते हैं एज अ टारगेट डिवाइस, जिस पे हम अपने सारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट भी करेंगे और साथ साथ टेस्ट भी करेंगे, ठीक है। एंड्रॉयड एमुलेटर जो है वो रियल डिवाइस की तरह ही फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे हमारे फ़ोन के अंदर फंक्शनैलिटी होती है, उसी तरह सेम आपका एंड्रॉयड एमुलेटर जो है वो फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे हमें अगर इनकमिंग फ़ोन कॉल्स आती हैं, फ़ोन कॉल्स हमें आती हैं या टेक्स्ट मैसेजेस आते हैं, उसी तरह से आपके एंड्रॉयड एमुलेटर पे भी आपके फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस आ सकते हैं। ये आपको डिवाइस की लोकेशन भी बता सकता है डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क स्पीड से, ठीक है। और एंड्रॉयड एमुलेटर जो है वो आपका रोटेशन को सिमुलेट करता है एंड अदर हार्डवेयर सेंसर को भी सिमुलेट करता है, ठीक है। ये आपके गूगल प्ले स्टोर को भी एक्सेस करता है। तो इस तरह से आपका वर्चुअली आपको फ़ोन दिखता है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, जिसे हम कहते हैं एंड्रॉयड एमुलेटर, ठीक है। और जब भी हम एंड्रॉयड एप्लीकेशंस को टेस्ट कर रहे होते हैं तो ये हम एमुलेटर पे ही टेस्ट करते हैं। तो जब हम रियल डिवाइस पे अगर हम टेस्ट कर रहे हैं तो उसके कंपैरिजन हम जब एमुलेटर पे अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशंस को टेस्ट करते हैं तो वो फास्टर होता है और ईजियर होता है। हम इसमें क्या करते हैं, डेटा को अगर ट्रांसफ़र करना है तब भी हम रियल डिवाइस में जितना स्पीड से डेटा ट्रांसफ़र करते हैं उससे फास्टर हमारा एंड्रॉयड एमुलेटर पे डेटा ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। एंड्रॉयड एमुलेटर जो है वो आपके प्री डिफाइंड कॉन्फ़िगरेशन के साथ आता है, यानी सेटिंग्स पहले से हो रखती हैं आपके एंड्रॉयड एमुलेटर के अंदर और आप सीधे फंक्शनैलिटी को वहाँ पर एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स और रिकमेंडेशंस की। क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं हमारे एमुलेटर की, यानी एमुलेटर जब हम अपने यूज़ कर रहे हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर, तो हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? तो एंड्रॉयड एमुलेटर जो है वो एडिशनल रिक्वायरमेंट्स भी हैं इसकी। बेसिक सिस्टम रिक्वायरमेंट तो अपना ये लेगा ही, साथ साथ इसको एडिशनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो कि कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। SDK टूल्स 26.1.1 या फिर इससे ज़्यादा, तो SDK टूल्स की ज़रूरत है जो कि आपके 26.1.1 वर्जन का या इससे ज़्यादा वर्जन का होना चाहिए। फिर 64 बिट प्रोसेसर चाहिए हमें अपने कंप्यूटर में, साथ में विंडोज़ CPU विथ UG यानी अनरिस्ट्रिक्टेड गेस्ट सपोर्ट होना चाहिए विंडोज़ में, ठीक है। फिर आपका HAXM 6.2.1 या फिर इससे ज़्यादा का होना चाहिए। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं एमुलेटर को चलाने के लिए, ठीक है। अब देखते हैं हम इंस्टॉल द एमुलेटर, यानी एमुलेटर को इंस्टॉल कैसे करेंगे। तो हमारे एंड्रॉयड एमुलेटर जो है वो हमारा, जब हम एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल कर रहे होते हैं उसी समय आपका एंड्रॉयड एमुलेटर भी इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। आपको अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। एंड्रॉयड स्टूडियो जब हम इंस्टॉल करते हैं तभी हमारा एंड्रॉयड एमुलेटर जो है वो इंस्टॉल हो जाता है। और इसमें एमुलेटर तो इंस्टॉल हो जाता है, लेकिन उसके कुछ कंपोनेंट्स जो हैं वो आपके इंस्टॉल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं।
तो अगर हमें एमुलेटर कंपोनेंट्स को इंस्टॉल करना है तो हम क्या करेंगे, एसडीके मैनेजर में जाके एसडीके टूल्स में जाएंगे, ठीक है, और वहाँ पे हमें एंड्रॉयड एमुलेटर जो है वो सेलेक्ट करना होगा, जिससे हम एंड्रॉयड एमुलेटर कंपोनेंट्स को इंस्टॉल कर पाएंगे अपने डिवाइस पे, ठीक है। हम अपने एंड्रॉयड ऐप को रन करते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो से, तो हम एंड्रॉयड स्टूडियो से ही अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशंस को रन करते हैं। आपको पता होगा एंड्रॉयड स्टूडियो में हम अपने प्रोजेक्ट्स को रन करते हैं, ठीक है, और या फिर हम क्या करते हैं, वी कैन रन एन ऐप विच इज़ इंस्टॉल्ड ऑन द एमुलेटर। तो हम या तो एंड्रॉयड एमुलेटर पे जो हमारा इंस्टॉल्ड है वो ऐप हम रन करते हैं, या फिर हम डायरेक्टली एंड्रॉयड स्टूडियो से रन करते हैं। तो एंड्रॉयड स्टूडियो को स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, अब हमें एप्लीकेशन को रन करना है अपने एमुलेटर पे ही, तो हमें अगर एमुलेटर को स्टार्ट करना है तो हम क्या क्या हमें करना होगा, इन एंड्रॉयड स्टूडियो वी नीड टू क्रिएट एन एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, एंड्रॉयड स्टूडियो में एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस को क्रिएट करना होगा, जिसको हम एमुलेटर कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एमुलेटर को यूज़ करेगा और अपने हमारे एप्लीकेशन को यानी ऐप्स को रन करेगा, ठीक है। अब हमें अगर न्यू एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस अगर बनानी है तो हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमें टूल्स में जाना होगा, फिर हम AVD मैनेजर में जाएंगे। AVD मैनेजर में जाएंगे तो इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे आपको क्रिएट वर्चुअल डिवाइस दिख रहा है, इस पर हमें क्लिक करना होगा, ठीक है, और अपने हार्डवेयर को सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे सेलेक्ट हार्डवेयर पेज अपीयर हो जाएगा, जहाँ से हम अपने मनपसंद आपका जो भी आपका मन हो वो आपका हार्डवेयर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हार्डवेयर को सेलेक्ट कर लेंगे, देन हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अगर हम जो है ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा कि आपका देन वी कैन क्रिएट एंड इम्पोर्ट अ हार्डवेयर प्रोफाइल, ठीक है। तो हम इम्पोर्ट भी कर सकते हैं, ऐसा है कि हार्डवेयर प्रोफाइल को अगर हम सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं तो हम इम्पोर्ट भी कर सकते हैं कहीं से भी, ठीक है। तो यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, फिर हमें क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब हम क्या करेंगे, सिस्टम इमेज को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। हमने क्या किया, हार्डवेयर को सेलेक्ट कर लिया, अब उस पर इमेज जो लगानी है वो इमेज हमने सेलेक्ट कर ली और नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब वेरीफाई कॉन्फ़िगरेशन पेज पे हम जाएंगे। तो ये आ गया वेरीफाई कॉन्फ़िगरेशन पेज, और यहाँ से हम अपने डिवाइस को सेलेक्ट करके और फिनिश पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो जब हम फिनिश पे क्लिक कर देंगे उसके बाद हमें क्या करना है, हम टूल बार में जाएंगे और वहाँ पे AVD में AVD को चूज़ करेंगे और यहाँ से अपने एप्लीकेशन को रन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, AVD को चूज़ करना है, विच वी वॉन्ट टू रन आवर ऐप फ्रॉम द टारगेट डिवाइस, ठीक है। तो ड्रॉप डाउन मेन्यू में से अपने डिवाइस को सेलेक्ट करके वहाँ से रन पे क्लिक कर देंगे तो हमारा एमुलेटर रन होने लगेगा। तो अब अगर हमें एमुलेटर दोबारा से स्टार्ट करना है तो हमें क्या करना है, AVD मैनेजर में जाना है और यहाँ पे AVD पे डबल क्लिक करना है और रन कर देना है, तो हमारा एमुलेटर जो है वो डायरेक्टली रन होने लगेगा। तो इस तरह से हम एमुलेटर को यूज़ करते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा एमुलेटर क्या है। एक बार बता देती हूँ फिर से कि एमुलेटर जो है वो आपका फ़ोन है जो कि आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रहा है, तो एक तरह से वर्चुअल फ़ोन, वर्चुअल डिवाइस है, एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस है जो आपके स्क्रीन पर दिखती है। जब भी हम कोई एंड्रॉयड एप्लीकेशन रन कर रहे होते हैं तो हम इसी डिवाइस पे रन करके टेस्ट करके देखते हैं कि हमारा एप्लीकेशन प्रॉपरली चल रहा है कि नहीं चल रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिएगा और चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।